हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट बी फार्मा डी फार्मा, यानी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है कानपुर यूनिवर्सिटी कराएगी। तो उसके लिए इसमें द एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 2 घंटे का पेपर रहेगा। उसके साथ में आपका क्वेश्चन पेपर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेगा। उसी के साथ में आपको करेक्ट आंसर चूज़ करने पर फुल मार्क्स दिए जाएंगे, अदरवाइज आपको इसमें तो आप देख सकते हो कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आपसे 3 सेक्शन में पूछा जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे। सेक्शन ए फिजिक्स में आपके टोटल 33 क्वेश्चन, सेक्शन बी केमिस्ट्री में आपके 33 क्वेश्चन एंड बायोलॉजी में आपके 34 क्वेश्चन। सेक्शन ए फिजिक्स में आपसे क्या पूछा जाएगा, मेजरमेंट, डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एस्टिमेशन, डायमेंशनल कॉम्पिटिबिलिटी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस प्रकार से आपका ये फिजिक्स का सेक्शन रहेगा। उसके बाद में आप देख सकते हो कि इसमें ये आपका फिजिक्स का पूरा सिलेबस रहेगा। फिजिक्स के पूरे सिलेबस के बाद में आप इस पर सेक्शन बी केमिस्ट्री का देख सकते हो, केमिस्ट्री में आपके किस प्रकार से सेक्शन रहेगा। केमिस्ट्री के बाद में आप इस पर देख सकते हो कि आपका जो है सेक्शन सी बायोलॉजी, यानी कि जूलॉजी भी इसमें पूछा जाएगा आपसे। उसके साथ में आपको दे सकते हैं बॉटनी हो गया, तो ये इस प्रकार से आपका सिलेबस हो गया कि जो डी फार्मा बी फार्मा के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। तो ये इस प्रकार से सिलेबस है जो भी स्टूडेंट कानपुर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, बी फार्मा डी फार्मा के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा और ये सिलेबस आपसे पूछा जाएगा।